हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्ट्रक्चरल के बारे में, जो कुछ हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर रिक्वायरमेंट किए थे कि जैसे प्लेट वगैरह में रेडियस कैसे मार्किंग करते हैं। रेडियस का मार्किंग जैसे आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है R50, जैसे यहाँ पर ये टो गार्ड दिया हुआ, ये रेलिंग है, ये जो ड्राइंग है स्ट्रक्चर का जो रेलिंग होता है उसका है। ये जो स्क्वायर राउंडिंग में दिया है ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे, चोट ना लगे, इसलिए दिया जाता है। तो इसमें जो लिखता है R50, तो इसका रेडियस कैसे बनाते हैं, कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट था कि इसमें रेडियस का मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको इसी के बारे में आज एक वीडियो बना के दे रहा हूँ। और आपको जैसे स्ट्रक्चर का अगर रिक्वायरमेंट हो कोई भी वीडियो, तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं किस तरीके का आपको वीडियो चाहिए, और आपको रिक्वायरमेंट करना नहीं पड़ेगा। वैसे मैं अभी स्ट्रक्चर पर भी बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूँ, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ टेम्पलेट के जरिए कि इसमें रेडियस कैसे बनाते हैं। इसमें तो जो आप देख रहे हैं ये आउटसाइड रेडियस है, और जैसे किसी और ड्राइंग में आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर का बीम है, इसमें आप देखिए इनसाइड ये रेडियस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये R20 लिखा हुआ है और ये इनसाइड रेडियस दिया हुआ है। तो इसमें भी कैसे मार्किंग होगा और इसको कैसे कटिंग किया जाता है, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ड्राइंग में जो देख रहे हैं इसमें 50 का रेडियस आउटसाइड वाला मारने के लिए दे रहा है, 50 आर लिखा हुआ है, R50 लिखा हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले 50 पे मार्किंग कर देंगे ऐसे, और एक इधर से भी 50 पे मार्किंग कर देंगे, एक यहाँ कर दिए। अगर राइट एंगल नहीं है तो दो और मार्किंग कर दीजिए, इंड से इधर तक हमारा 50 का रेडियस है, सीधा लाइन मार देंगे। और इधर से भी जो यहाँ से 50 पर लिए हैं उसमें भी एक सीधा लाइन ऐसे मार देंगे। तो ये हमारा कॉर्नर हो गया यहाँ से 50 तक और यहाँ से 50। और इसमें क्या करेंगे, इस तरीका का अगर आपके पास डिवाइडर हो लाइन में या कहीं भी, तो उससे यहाँ पे माप ले लेंगे और यहाँ से इस तरीके से हम घुमा देंगे। ये देखिए ये 50 का रेडियस हो गया, यहाँ से सेंटर से ऐसे घुमा देना है, ये 50 का रेडियस हो गया, और इसे इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। ये हो गया 50 का रेडियस। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि मान लीजिए चैनल का फ्लैंज है ऊपर का, और उसमें चारों जो कॉर्नर काटने के लिए दे रहा है ताकि वो जो ग्रुप में जाके दूसरे फ्लैंज में जाके दूसरे कॉलम में जाके सेट हो जाए, और इसमें लिख रहा है यहाँ पर ये तो हो गया R50, और यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे मान लीजिए कटिंग करना है इस तरीका का, और यहाँ पे लिख दिया R20, यानी कि 20 का इसमें रेडियस रहेगा। इसमें हम कैसे 20 का रेडियस देंगे, मान लीजिए ये कटिंग कितना का दे रहा है वो सबसे पहले मार्किंग कर देंगे। अभी जो मेरे ड्राइंग में जो दे रहा है वो 35, तो मैं इसमें 35 में मार्किंग कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर लिए। अब इसका मान लीजिए लेंथ कितना दे रहा है, 100 दे रहा है या फिर 80 दे रहा है या 75 दे रहा है, तो आप इसकी हिसाब से, मैं 100 मार्किंग कर लेता हूँ अपने हिसाब से। यहाँ पे 100 मार्किंग हो गए, और यहाँ पे राइट एंगल लगा के मार्किंग कर लेंगे। अभी मेरे पास स्केल है तो हम स्केल से ही मार्किंग कर लेते हैं। अब इसमें दिखा रहा है कि इसमें रेडियस यहाँ पे मारना है 20 का, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 20 का मार्किंग करेंगे, यहाँ से ये मार्किंग के इधर 20 और इधर से भी एक 20, और क्या करेंगे अगर राइट एंगल है तो आप राइट एंगल से ऐसे लगा के मार्किंग कर लीजिए सीधा सीधा। ये हो गया 20 का मार्किंग हो गया, और इसमें क्या करेंगे, हमारा ये 20 का बनाएंगे इस तरीके से, और इसमें क्या करेंगे ऐसे मार्किंग कर देंगे। ये हमारा हो गया 20 का रेडियस। तो मैं आपको इसको कटिंग करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हो गया आपका R20, ये हो गया 20 का रेडियस। इस तरीके से ये मार्किंग होता है आउट रेडियस के लिए। ये बाहर से इधर हम मार्किंग करेंगे, और इन के लिए पहले कटिंग से पहले हम मार्किंग कर देंगे। इस तरीके से चारों साइड मार्किंग करके आप कटिंग कर लेंगे, तो ये बीम का आपका नोज कटिंग हो जाएगा आपको इस तरीके से। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताइए, और लाइक करिए, और हमारे वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करिए, और हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरीके का नीचे लाल बटन होगा, उसे आप दबा लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।